गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, 9:30 हो गए, उठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं शिवाय को टीका लगवाने, और आज का ही दिन दिया था डॉक्टर ने, आज की डेट दी थी कि 15 के बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं टीका, एक दो दिन के अंदर। तो आज मैं जा रही हूँ टीका लगवाने शिवाय को, और मुझे बहुत घबराहट हो रही है अंदर से, बड़ी बड़ी बेचैनी सी हो रही है कि उसको इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ़ होगी, कैसे देख पाऊँगी मैं। कहते हैं कि टीका लगने के बाद 2 दिन तक बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बुखार भी आ सकता है, दर्द होता है, उन्हें काफ़ी रोते हैं वो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेचारा इतना छोटा सा, इतनी नन्ही सी जान, कैसे दर्द झेलेगा बेचारा वो। चलो उठो लाल, टाइम हो गया है, फिर लेट हो जाएंगे, वहाँ भीड़ हो जाएगी, फिर उठो। मैंने शिवाय को तैयार कर दिया है मम्मा ने, ये देखो तैयार होके सो गए। इनको भी कुछ भी नहीं पता है, इनके साथ क्या होने जा रहा है, घर आके पता चलेगा कि ये मुझे कहाँ लेने गए थे घुमाने के बहाने, इंजेक्शन लगवाने। लड्डू जल्दी लाओ, लेट कर रहे हो। आ जाओ, चलो मैं ले लूँ इसे, बहुत सफर की जरूरत है, इधर से आ जाओ। चलो भैया, आप पैर तो मेरे फ्री हुए कम से कम, बोरी ने जगह घेर रखी थी पूरी। यहाँ और नो में भैया लोरी लग रही है, सही है। ये है डॉक्टर बोर्निंग बुक, खड़ा है, क्या लिखा है, भारतीय औषधि भंडार। इसने लूटा है पापा को उनकी को। पानी से होके आती है ना, इसलिए बहुत जान नुकसान करती है। अब इसका मैं जानती हूँ क्या, ये देखो कूड़ा। चलो 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 चलो, हैं? वो देखो ऑटो आ गया भैया, निकाल लो भैया। भैया बहुत लेट हो जाएगा यार, बहुत जरूरी है, प्लीज निकाल लो यार। ठंडा मार दो, तुम्हें तो कंधे का ही मुंह पे लग दिया, बहुत अर्जेंट था ये, इसलिए तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। क्या यार, बहुत जोर का पड़ा वो तो है खैर। वो बाद में गाड़ी कटेगी, तो डेढ़ लाख गाड़ी चलेगी, गाड़ी मोटरसाइकिल। अच्छा बेटा, कैसी लगी पहली ट्रेन की आवाज?
दूसरी है, सॉरी भूल गया था। पिछली बार भी तो आया था ना, तब कितनी निकली थी? आप लोग तो एक घंटे तक फंसे रहे थे यहाँ पे। अरे वाह खुल गया, मुझे लग रहा था ये कौन निकलेगी तब खुलेगा। किस्मत है किस्मत। बाय बाय। ये ट्रेन से हम लोग कितने सालों से नहीं गए, हम लोग तो कभी गए नहीं साथ में ट्रेन से, है ना? आप अकेली थी, मैं अकेला गया। इस बार ना ट्रेन से साथ में चलेंगे। बैठी तो यार, शादी हुई है तब से बैठी नहीं हूँ। क्यों दिल्ली गई थी आप अकेली? गई थी मतलब अभी घर नहीं गई पहले इटावा। अरे घर वाली ट्रेन में थोड़ी नहीं जाना है। इटावा से बदान, बदान से सिकोबार, सिकोबार से दुश्मन नगर, बस इतने में ही रहते थे ट्रेन में। और अब यही नहीं गए। ट्रेन से क्या करेंगे जर्नी? ट्रेन की जर्नी काफी अच्छी लगती है। लोकल ट्रेनों की अच्छी लगती है। लोकल की नहीं, बहुत बहुत घुमाती है। हाँ सही में यार, मुझे ना आज तक ये नहीं पता चला आपका नाम क्या है इस वाले। आप इटावा में रह के आप इटावा के बारे में बहुत कम जानते हो, क्योंकि आप इतना आवारा गर्दी करते नहीं घूमने जाने वाले। हाँ ना कोई दोस्त है ना कोई यार। भैया इस वाले चौराहे का नाम क्या है? जी वाले का एसपी चौराहा है। बोला जी तो हम कंफ्यूज रहते हैं, डीएम चौराहा कौन सा है, एसपी चौराहा कौन सा है। चलो आ गए, उठो आ गए, उठो। कितनी भीड़ है यार, भयंकर। आराम से उतरना। यहाँ पे बहुत आराम से चलना गुड्डू, यहाँ पे ठीक है। अरे आराम से चलो ना, क्यों भाग रही हो? मस्ती है देना भाई। तू क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि बैग टांगे को घूम रहा है लड़के वाला। अरे हाथ हटा लिए, जोड़े हुए था अभी। ये है जन औषधि केंद्र और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अंजू बुआ जी इधर बैठती थी पहले इस वाले में, है ना? अब नहीं बैठती इस वाले में। हम लोग को जाना किधर है? नई बिल्डिंग में। तो आप अपना बैग पकड़ो, मैं उसे पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है बैग पकड़ो और कैमरा पकड़ो, लो। हेलो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। ये थी हमारी मंजिल। हमें अगले कुछ साल, अरे इसमें तो 16 साल तक के टीके लगे हुए हैं यार। अच्छा 16 साल की उम्र तक टीके लगते रहते हैं बच्चों के। पता नहीं आप ब्लॉक करो ना, मुझे तो अंदर नहीं जाना चाहिए था। आप
पता नहीं, सात नंबर के या सात नंबर। यार ये जग गया। आज डेट तो हुआ है। हाँ। वही दिमाग में आ रखे हैं। मंदिर में आ रखे हैं। वहाँ पे बताया था कि आज ही आए। ऐसा होता है। पहले टीका जो होता है, वो डेढ़ महीने पूरा बच्चा कंप्लीट हो जाए डेढ़ महीने। डेढ़ महीने तो हो गया तो। हाँ। आज एक दिन ऊपर है। हाँ ठीक। कल लग जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो वेट कर लीजिए मेरी बात। ठीक। चला इनके दर्द होगा तो वो शिकायत विकाई भी कर सकते हैं। शिवाय को बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगवा के उसके पापा से चुप करवा रहे हैं। सुबह कराया यार वो। धूप लग रही है उसे बहुत तेज। इधर लाओ हमें दो। सर ढक दो उसको, इधर लाओ हमें दो। क्या कर लोगी यार, छाता बन जाओगी। लोग उठ रहे हैं ये शूटिंग करवा रहे हैं, बच्चे इसी ने पैदा किया है। भैया कह रहे वेरी गुड। वो भैया जो निकल गए थे कह रहे वेरी गुड, मतलब मैंने कचरा डस्टबिन में डाला इसलिए उन्होंने कहा वेरी गुड। ये तो वो तो करनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, इसमें वेरी गुड करने वाली क्या बात है। लोग नहीं करते इसलिए। फ्रेंड्स कॉलोनी दिव्यांशी। हाँ बताओ।
अच्छा गुड्डू एक बात बताओ, आपके पर्स में क्या क्या है? दो डायपर, एक वाइप्स का पैकेट, बाकी है कुछ भी नहीं। पैसे कितने हैं? एक रुपया नहीं। सोने की चैने कितनी है? कुछ नहीं है उसमें। क्यों हॉस्पिटल क्या करती है सोने की चैन और पैसे ले जाती? सब कुछ निकाल कर आई थी मेरा भी पर्स। मैं अपने ऐसे उठाने जा रहा था, सेफ्टी से रख लो इसे। कह रही मेरा भाई पर्स कोई लेके जाएगा तो पछताएगा। और हमेशा ऐसी हस्ती खेलते रहो, ऐसी पाँच से सोते रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सब बुद्धि दे तुम्हें, दो जो रहो खुद तो बोलो। यहाँ के बच्चे चलने लगे और तो मैं इतनी देर से आवाज आ रही थी तब जो सो रही थी। शांति पसंद नहीं होती बच्चों को, शोर होगा ना तभी तो कूलर की आवाज़ में सोता है वो। कूलर की हवा थोड़ी चाहिए, उसे आवाज़ चाहिए कूलर की। जम जाए वैसे ही पैसे तो मोल दे देना। आप चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ स्टोर पर। ठीक है ठीक है। ओ मेरी सुंदरिया, ओ मैया, छक्को बुलाएगा लाल, मैया को बुलाया कर देगा मैया। ओ मेरी माँ सुन लो मैया, भुक्का लगी है। हाँ फिर पापा को बुलाया कर देगा पापा, सुन लो पापा। छोटी छोटी पूरी बनाते रहेंगे छोटी छोटी, ठीक है। हाँ मैगी नहीं बनाती, मैगी नुकसान करती है। हाँ ठीक है। और छोटा छोटा छोटी छोटी बोतल होगी, इतनी छोटी सी बोतल होगी लाल की, उसमें लाल अपना पानी ले जाया करेगा, ठीक है। हाँ यही से ले जाएगा, ऊपर तो पानी नहीं पीना, ठीक है। हाँ अब ना तभी थोड़ा सा आराम में था, उसका असर खत्म हो गया होगा। लाल लगा दो, हवा लगेगी और ज्यादा अकड़े। आ वहाँ पे छूने पे भी दर्द हो रहा होगा मम्मी, उस चीज का ध्यान रखना। नहीं सही होता है। हम जगाना नहीं चाहते तो उसे, हम लटका लेटा थे इसलिए हमने बोला था। बताए लाल आपको, भगवान जी सारी बातें मानते हैं। हाँ अगर सच्चे मन से प्रार्थना करो भगवान जी के तो सारे कष्ट हर देते हैं। अब देखो मेरे लाल ने भगवान जी से प्रार्थना की तो मेरे लाल का कष्ट कम हो रहा है। हाँ कष्ट कम हो जाएगा लाल का, भगवान जी को याद करो बस, सारे कष्ट हर देंगे भगवान जी लाल के। हाँ तो जब भगवान जी की बातें करते हैं लाल से, लाल को बहुत अच्छा लगता है, लाल मेरा भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है। हाँ जय लाल ना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों जरा ना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों
मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी ओहो मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काले नाग पे नाच किया और काले नाग को नाच लिया। मेरे नागों का ओहो मेरे नागों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तो दर्द के भी तो इंजेक्शन आते हैं। आते हैं लेकिन वो नहीं लगवाने चाहिए, वो महंगे भी होते हैं और फिर दर्द जो होता है ना वो होना चाहिए, बुखार जो आता है वो आना चाहिए। उसका मतलब होता है कि बच्चे को इंजेक्शन काम कर रहा है। हाँ कष्ट तो होता ही, देखा तो जाता नहीं है। हाँ अब कौन सा गाना सुनाए, अब उनको गाना सुनना है। सुनाओ, सुनाओ। गाना कौन सा?